बनाने जा रहे हैं देसी मुर्गा। सबसे पहले हमने एक कुकर के अंदर जो है वो ये प्याज डाल दी है और इसके अंदर ऑयल डाल दिया है, ठीक है। अब हम इसमें लहसुन अदरक वगैरह जो सारे तो काट के इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। हम इसमें चम्मच चला देखेंगे टमाटर और प्याज को हम इस तरह फ्राई कर देंगे, ठीक है। हमने जो इसके अंदर देसी मुर्गा ऐड कर दिया है, ठीक है ना। हम इसके अंदर अभी हमारे पास स्पाइस किट मौजूद है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, एक चम्मच नमक का और हाफ चम्मच टर्मेरिक पाउडर और गरम मसाले इसके अंदर आप ये डाल दें, हस्बे ज़रूरत से हम पसंद करते हैं, ठीक है। वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब मैं इसका वेट लगा दूँगी, मैंने कुकर का वेट जो है वो लगा दिया है। अब ये आग फ्लेम ऑन करती है, हमने कुकर खोल लिया है। देखिए मुर्गा हमारा बिल्कुल गल चुका है, ठीक है। अब हम ये इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, ठीक है। ये देखें 15 मिनट तक इसको कुकर लगाएंगे, अच्छी तरह हम इसको भूनेंगे 10 से 15 मिनट। कितनी अच्छी इसकी शक्ल है, कितना अच्छा इसका भून के अच्छी तरह इसको ज़्यादा चम्मच चलाने से ग्रेज करें, बस ये अच्छी तरह भून जाए, बस फिर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। ये अब हम इसके अंदर दही एक चम्मच डाल देंगे, ठीक है। अच्छी तरह इसको भूनेंगे, ये देखिए नीचे लग रहा है, इस तरह इसको भूने जाके हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। हमारा देसी मुर्गा पक के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आप इसको सर्व कर दिखाती हूँ, ठीक है।